सो यार सुबह सुबह होली भी खेल ली हमने और मैंने कलर हटा भी दिया बिकॉज ये सारा ना हेलमेट एंड बाला क्लावा पे लग जाता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम अभी निकल रहे हैं दिल्ली के लिए और बहुत ही लंबा सफ़र आज का होने वाला है हमारा। हमारा प्लान था कि हम लोग आगे बानीखेत तक चलते, बट कल रात को इतना लेट हो गया, हमने इतना ज़्यादा मज़ा कर लिया ना स्नो वाले व्यू में कि हम रात हो गई चंबा पहुँचते पहुँचते, तो फिर हम चंबा में ही रुक गए फिर से। ट्रिप जीरो कर लेते हैं, रीसेटेड। चलो जी, बाय बाय चंबा। बस गुब्बारा ना पड़े कोई पर यार चंबा ना बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है और अनएक्सप्लोर्ड डिस्ट्रिक्ट भी है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारी। पर आओ तो टाइम निकाल के आना, 5-6 दिन लेके आना। और ये सिर्फ चंबा चंबा के लिए है, चंबा के आसपास जितनी जगहें हैं, एक होली नाम की जगह नहीं दिखी थी हम लोगों को कल, वो भी बड़ी सुंदर है हमें पता लगा। और भी बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पे, जैसे साच पास एक विलेज भी है, जुलाकरी इस जगह का नाम है। फर्स्ट फ्यूल ब्रेक आज का, आज हमें इतना डिस्टेंस कवर करना है ना कि आज हमको 2 फ्यूल ब्रेक्स लेने पड़ जाएंगे। लोग फुल होली के माहौल में झूम रखे हैं। चुप हो जाओ, तुम बहुत बोल रहे हो जब से। बब्लू भैया 16 लीटर पेट्रोल पी गए, पंछी देखते हैं कितना पीता है। ऑलमोस्ट 11 लीटर पेट्रोल आ गया है भाई। यार यहाँ से क्या ही सेक्सी व्यू आ रहा है, बर्फीले पहाड़ों के नज़ारों को बाय बाय बोलने का समय आ गया है वैसे तो। बाय बाय। तुझसे सब है साईयां, तू ही मेरा दिलबर, तू ही मेरा रब है साईयां, तू ही मेरा पता, तू ही बता के कैसे कहूँ अलविदा। तो यार अगर आपको धर्मशाला से चंबा आना हो तो मैप पे एक चैनी कोठी वाला रास्ता दिखाता है, वो रास्ता बिल्कुल मत लेना। हमें भी यही सजेस्ट करा गया है क्योंकि वो थोड़ा रिलायबल नहीं है। ऊपर खजियार से होते हुए आ सकते हो या खजियार से ऊपर एक और रास्ता है, वहाँ से होते हुए आ सकते हो। बाकी हम लोग आते टाइम खजियार से आए थे और अब हम और ऊपर से होते हुए निकलेंगे, वो थोड़ा फास्टर भी है, नया रास्ता हम एक्सप्लोर भी कर लेंगे। खजियार वाला तो कर भी लिया। बड़ी ही भयानक लैंडस्लाइड हो रखी है, पेड़ भी गिरे हुए हैं। तो यार आज का जो डिस्टेंस मैं कवर करने वाली हूँ ना वो 600 किलोमीटर प्लस होगा, वो मेरा अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर होगा इन वन डे। इससे पहले मैंने लॉन्गेस्ट स्ट्रेच करा है 520 किलोमीटर का। न्यू एक्सपीरियंस एडिंग एवरी डे। कल हम अपने पंछी को बर्फ में लेके गए। यार ये फ्लावर ना बड़े सुंदर लगते हैं, पिंक और वाइट कलर के भी हैं सेम। सो मैप हमको वापस से खजियार वाले रास्ते से लेके जा रहा था, तो हमने अभी यू टर्न ले लिया है। यहाँ से एक 40 दिखा रहा था, 1 घंटा 40 मिनट, वहाँ से हमें लगेगा 1 घंटा 50 मिनट, तो 10 मिनट में तो कितना ही फर्क पड़ता है। तो हमने सोचा कि वहाँ का व्यू लेके लेते हुए चलते हैं। तो यार खजियार वाले रास्ते से हम यू टर्न लेके आ गए थे ऊपर वाली साइड से, और ये रास्ता देखो कितना सुंदर है। खजियार वाला थोड़ा रफ है बट ये बहुत सुंदर है, तो हमने सोचा कि जो एक्सप्लोर नहीं करा है उसको एक्सप्लोर करते हुए निकलते हैं। तेरी बाहों तलक ही है।
होए होए होए, देखना एक बार कितना हरा हरा ही हरा, बहुत प्रिटी व्यू, बहुत प्रिटी। इस वाले रास्ते पे व्यूज तो बड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े अच्छे और बड़े अच्छे अच्छे हैं यार। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ZMR इतनी दिख गई ना, इतनी तो कहीं नहीं दिखती आजकल। और पुरानी वाली, नई वाली नहीं, पुरानी वाली ZMR मैंने इतनी देखी है ना यहाँ पे। ZMR का भी अपना ही क्रेज था, है ना, अपना ही करिश्मा था ZMR करिश्मा का। स्पोर्ट्स बाइक हुआ करती थी वो तब लोगों के लिए। उड़ीसा नंबर की गाड़ी, लुक एट द व्यू। तो यार इधर वाला हैंड गार्ड ना थोड़ा लूज हो गया था, तो हमने ये तो खोल दिया है, और अब एक रखें एक को ना रखें तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, तो हम दूसरा भी खोल रहे हैं। तो यार टाइम ना 6 बज गए हैं, और हम लोगों ने पंजाब भी अभी एंटर नहीं करा है, हिमाचल में ही हम अभी घूम रहे हैं, क्योंकि होली है ना आज, तो होली के इतने पंडाल वंडाल लगे हुए थे कि बड़ा जाम सा था, लोगों का जाम, व्हीकल्स का नहीं। लैंड स्लाइड भी हो रखी थी, तो वहाँ पे भी उसको क्लीन क्लीन करने में 2-3 घंटे हमारे वहीं निकल गए। तो हम लोगों का प्लान है कि आज हम लुधियाना में ही स्टे करेंगे, वैसे तो हम पूरा घर तक दिल्ली तक जाने वाले थे, तो हम जलंधर में स्टे करेंगे, लुधियाना बोल दिया मैंने गलती से। तो पहले तो हम लोगों को लग रहा था कि एटलीस्ट हम लुधियाना तो पहुँच ही जाएंगे, वैसे सच बताऊँ तो पहले हमने चंडीगढ़ का सोचा था, फिर धीरे धीरे हम लुधियाना पे आए, बट अभी हम शायद जलंधर तक ही पहुँच पाएंगे, तो बाकी का रास्ता हम कल कवर करेंगे। सो जी सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, बस अंधेरा होना बाकी है, और हम लोगों को अभी 110 किलोमीटर और चलना है जलंधर के लिए, जिसमें टाइम लगेगा 1 घंटा 50 मिनट। 8 बजने में है 8 मिनट बाकी, और मेले के दर्शन करा देते हैं बाहर बाहर से। ये देखो मेला लगा हुआ है इधर, ज़्यादा दिख नहीं रहा है बट जितना दिख रहा है देख लो। और हमें अभी टाइम लगेगा 44 मिनट और लगेंगे पहुँचने में, और 44 किलोमीटर ही बचे हैं, तो मतलब हम 1 किलोमीटर 1 मिनट में कवर कर रहे हैं और करेंगे आगे। और मून बहुत प्रिटी लग रहा है, ये देखो फुल मून। सो जी जलंधर आ गया है, अभी हमें बस लगेंगे मात्र 11 मिनट पहुंचने में, और मेरी बाइक ने इतनी धाकड़ माइलेज दी है ना, अभी आपको रुक के फ़ोन से दिखाती हूँ। वेलकम टू जलंधर, तुम्हारा तो मस्त कलर से हम आ गए जलंधर। ये क्या, दिस इज तो खालसा कॉलेज। बाइक्स की पार्किंग इधर है नीचे अंदर, एक बार सामान उतार के यहाँ रख ले, फिर नीचे ले जाएंगे। पहुँच गए, डन। तो जी एक बार सामान उतार लेते हैं, उसके बाद बाइकों को नीचे लगा के आएंगे बेसमेंट में। तो एक बार बाइक की माइलेज देखो जरा, 254 किलोमीटर चली ऑलमोस्ट, और इसकी माइलेज है 38.2 kmpl किलोमीटर पर लीटर। तो यार सुबह हो गई है, अगली सुबह हो गई है, और अभी हम अपने स्टे से निकल रहे हैं, और ये ना थोड़ा ढीला हो गया, इसको टाइट करा जा रहा है। ये वैसे ही इस पे टेप लगा के ये वाला माउंट लगाया था, ये बिना इसके ही ढीला हो गया, खुल गया देखो। अच्छा अरे अच्छी बात है हमने देख लिया, वरना चलते चलते फिर से फोन गिर जाता। तो बात नहीं, पैरों में ही तो रहता। अभी ये फोन गिरता तो पैरों में रहता, ये पूरा ही खुल के गिर जाता ना। और हमारे बबलू भैया का मुंह देखो एक बार, यहाँ से खुल गया है, खुल गया है, खुल गया, खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये टकरा गए हमारी पंजी के पिछवाड़े में, ये यहाँ से थोड़ा हिल गया है। कोई ना, चलो फिर फटाफट हो जाएगा ना, इसको टाइट करके निकलते हैं। अभी तुम एक बार वो बताओ कि किस एंगल पे तुम्हें रखना है, कहाँ तुम सेट करना चाह रहे हो। टूल किट काम आ गई आपकी, ज्यादा ही काम आ गई। निकल चुके हैं हम लुधियाना से, लुधियाना नहीं सॉरी जलंधर से निकल चुके हैं हम। यार मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ बार बार लुधियाना और जलंधर में, वो बस मस्त कलंदर से जलंधर याद आ जाता है, तो हमेशा नाम लेने से पहले मैं दिमाग में मस्त कलंदर सोचती हूँ, फिर मैं जलंधर बोलती हूँ। यार हम पहुंच तो गए हैं अपनी लोकेशन पे, लेकिन यहाँ पे तो ढाबा ही नहीं है इस नाम का कोई। तो यार एक और जगत पंजाबी रसोई है यहाँ से
26 मिनट दूर 18 किलोमीटर वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, तो अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। बहुत ही बीटी हो रही है आज तो, बहुत ही। खैर ऐसी सेम बसें दिल्ली में भी चलती हैं, एक टाइम को तो लगा कि दिल्ली में ही आ गए। और अपनी बाइक के 3000 किलोमीटर हो गए हैं, 3025 टू बी एग्जैक्ट। गाड़ी देखना, ये खाली स्काई ब्लू एम्बेसडर थी ना। हाय हाय, हाउ आर यू, हाउ आर यू? बहुत देर वेट की आपकी। अरे उधर से जरा इधर आए, हम ना एक्चुअली गलत डाली हुई है, गूगल मैप्स ने हमें कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअली हम लोग ने पहले वही दिखा रहा था, तो हम पहले वहीं पहुंच गए। आप तो घूमते हो और हमें और घुमा दिया वहां। ओके, बाय 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 बाय, थैंक्स फॉर कमिंग। चलो जी, आज का आखिरी और पहला फ्यूल अप करा लेते हैं। ठीक है, हो गया। आगे आसमान देखना कितना प्रिटी लग रहा है। तो यार एक फुल टैंक में ये चल गई थी 428 किलोमीटर, और 90 किलोमीटर की फिर भी रेंज बची हुई थी, तो फुल टैंक में ऑलमोस्ट 520 के आसपास चल जाती है ये। पटरियाँ भी, पटरियाँ गाँव से निकल के हाईवे पे मिले हैं, और जाम देखो एक बार यहाँ पे कितना है। ये कितना रश आ रहा है देखना इधर से, दोनों ही साइड से। ओहो, मेरे को लगा पेड़ है ये, पेड़ पे लोग चढ़े हुए हैं। बाद में देखा कि ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे इतना वो लाद रखा है और उस पे लोग चढ़े हैं। नेक्सॉन के बगल बगल से निकल लेते हैं, नेक्सॉन के सहारे हमने भी रोड क्रॉस कर लिया, क्योंकि नेक्सॉन इंडियन लोहा है ना, ज़्यादा लगेगी उसको तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जी देखो, इसकी बात कर रहे थे, दूर से तो शायद ना भी दिख रहा हो। इनको बोलते हैं सीढ़ी नीचे कर दो, हम बाइक चढ़ा रहे हैं ऊपर, एडवेंचर बाइक वैसे ही लेके चल रहे हैं। जग्गी सिटी सेंटर, हरियाणा स्वर्ग द्वार अम्बाला आपका स्वागत करता है। शंख भी लगा है ऊपर धनुष में। दिल्ली बचा है यहाँ से 200 किलोमीटर, और शाम हो गई है, अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, घप वाला अंधेरा होने वाला है बस। और अभी 3.5 घंटे और लगने हैं हम लोगों को। कभी हवेली पे आ गए। एक चाय ब्रेक लगा लेते हैं, क्योंकि 138 किलोमीटर बचा है बस। हम यहाँ पे हवेली पे रुक के एक बार चाय की चुस्की मार लेते हैं, फिर निकलेंगे। क्योंकि इस पियर्सिंग की वजह से ना मेरे कान में बड़ा दर्द हो गया है, हेलमेट पहने पहने। और ये कितना सुंदर लग रहा है। हाँ जी, थोड़ा जल्दी रोक दिया करो यार, मेरा थोड़ा ध्यान रखो। 130 किलोमीटर बाद रोकी बाइक सोफे पे बैठ के। सोफे पे बैठ के रो रहा हूँ मैं। स्वाति ये देखो, पत्थर पे बैठ के भी यार, मतलब सही में बिल्कुल भी कुशन है नहीं, इसमें पत्थर ही है बिल्कुल। पत्थर ही है, जितना था सारा उड़वा दिया मैंने। इसको उड़वा के एक लोहे की सीट बेल्ट करवा देते से ना। हमने बम में करवा लेती हूँ मैं लोहे की सीट में। वो तो मेरी पियर्सिंग में दर्द हो गया इसलिए मैं रुक गई, थोड़ा 40-50 किलोमीटर और खींच देते। तो हमने चाय नहीं पी, कोल्ड कॉफी पी है। And now we are leaving. यार जब saddling करते हैं ना, specially highways पे, तो लगता है कि sunroof से बाहर निकल गए। गाड़ी में जो feel आती है ना sunroof से निकलने की, वो highways पे saddling करने में feel आती है। Story of my life, I'll take you home. बहुत ही चुक गई, बहुत चुक गई, बहुत। तो हमने दिल्ली में एंटर कर लिया है, एंड यहाँ से मेरा घर है बस 32 किलोमीटर अवे। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट राइड सूनर।
कालू बिल्ली 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 डिड यू मिस मी सुंदरी हेलो हेलो स्वागत करने सबसे पहले मेरे वफादार दोस्त आ गए हैं बस 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 सो यार एक बार सब कुछ चेक करो चंबा से यहाँ घर तक आने में 672 किलोमीटर जिसमें हमको एवरेज मिली 37.9 की हमारी एवरेज स्पीड थी 51 और हमारी मैक्सिमम स्पीड थी 131 तो भाई मम्मी जगी हुई थी वेट में टाइम हो रहा है फोकस हो जा हाँ 11:30 तो 11:30 के आसपास मतलब 11:15 पहुँच गई थी वैसे तो पर अभी हो गए हैं 12:45 बज रहे हैं चीनू सो गई है क्योंकि कल उसका एग्जाम है जगी तो चीनू भी हुई थी हाँ। पर फिर अब तेरा पता नहीं था ना कितने बजे आएगी तू जैसे अगर तूने बोला था 40 मिनट या 1 घंटा लगेगा उसके बाद भी थोड़ा लेट ही हो गया 1.25 घंटा लगा क्योंकि तब मैं रुकी हुई थी ना तो चाय वाय पी रही थी तो वो सोई नहीं है पूरा दिन से फिर बीच में इंस्टा आया था तो उसका काम नहीं हो पाया तो वो अब जैसा भी आज दिन भर में उसको टाइम मिला कल आखिरी एग्जाम है ना उसका करा है हाँ तो इसको टाइम नहीं मिला अब इंस्टा देखो आता है घर में तो उसको खेलने के लिए चाहिए अब वो ना चाह के भी इसको इसको ही उठाता है आगे बार बार यहाँ पंजे मार के सोने तो वो नहीं देता घर रात वो तो है इसकी बहुत नींद खराब होती है चीनू की सच बता रहे हैं ये नींद में उठ के चल पड़ती है बेचारी इंस्टा के पीछे पीछे ना इंस्टा करता तो है रात को थोड़ा मैं होती तो शायद मेरे को उठाता और मैं नहीं थी तो चीनू को उठाता रचित को भी नहीं उठाता देख लेगा उसको इतना अच्छी तरह की वो सो रहा है इसको नहीं उठाता ढूंढेगा कि चीनू क्या सोती तो चलो यार कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग कीप लविंग बाय बाय